So, hello friends, today we will discuss about the Lee Chatelier principle. Lee Chatelier principle आपका chemical equilibrium में एक काफी important law है और दो ही chemical equilibrium में चीजें में इसलिए important एक law mass action और Lee Chatelier principle. इसके बाद हम लोगों के इंसिडेंटेड दो टॉपिक्स और भी हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स. ये जो सभी चीजें हैं आपकी लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है. और जब भी आप लोग पढ़ें तो कोशिश करें तीनों टॉपिक्स को इकट्ठा ही पढ़ लें, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को, आयनिक इक्विलिब्रियम को और केमिकल काइनेटिक्स को. चूंकि हमारे सीबीएसई पैटर्न में कुछ पार्ट 11th में पुट कर दिया गया, कुछ 12th में पुट कर दिया गया, तो वो कुछ नहीं है और टाइम वेस्टिंग है मोस्ट. तो Lee Chatelier प्रिंसिपल और आपका आयनिक इक्विलिब्रियम और पूरा इक्विलिब्रियम, ये सारा का सारा आपका लॉ ऑफ मास एक्शन पर ही बेस्ड है. लॉ ऑफ मास एक्शन जो है आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का भी बेस है और आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का भी और केमिकल काइनेटिक्स का भी. और इसी में थोड़ी 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 चीजों के डिफरेंस से आपके बहुत सारे चीजें बनती हैं और बहुत सारी इक्वेशंस बनती हैं, तो उन सबको हमें इंटररिलेट करना आना चाहिए. तो ये सारी चीजें जो है आपकी काफी इंपॉर्टेंट हैं और बड़े आसान आसान क्वेश्चन आते हैं यदि आपके बेसिक लॉजिक क्लियर है तो. और यदि बेसिक लॉजिक में प्रॉब्लम है तो आते हुए क्वेश्चन भी नहीं होते, ठीक है. तो मतलब बहुत आसान सी चीजें हैं लगभग. तो Lee Chatelier प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि जैसे मान लीजिए ए बी सी है, तीन लोग हैं हमारे पास, ठीक है, या ए और बी दो मान लेते हैं. तो ए मन में इसके चांटा मारता तो बी क्या करेगा, न्यूटन का लॉ भी है, थर्ड लॉ, कि एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन. तो जब आप किसी के चांटा मारते हैं तो वो क्या रिएक्ट करता है, वो भी आपके चांटा मारने की कोशिश करता है. सो या चांटा नहीं मारेगा तो रोना शुरू कर देगा, ठीक है ना. तो अल्टीमेटली क्या है कि जो उसकी रिएक्शन है उस डायरेक्शन में हुई जो एक्शन को नलीफाई करते हैं. यही आपका Lee Chatelier प्रिंसिपल कहता है कि इफ वी शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच it nullifies the effect of change. ठीक है. So आप किसी भी chemical equilibrium में जब भी आप कुछ भी change करते हैं तो वो equilibrium उस direction में shift हो जाता है जिसमें कि उसका आपका equilibrium change का effect nullify हो जाए, ठीक है. ये आपका Lee Chatelier ने principle बनाया था. Lee Chatelier के टाइम में उसको लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में नहीं पता था. तो जब उसको लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में नहीं पता था तो उसने जो है अपने बेसिस पर जो है आपका Lee Chatelier प्रिंसिपल दिया था भाई केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए. भाई अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई भी आप केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जैसे आप अमोनिया बनाने का प्रोसेस है आपका हेटर प्रोसेस है, तो इसमें आपकी जो अमोनिया बनाने की यील्ड है वो आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए. तो मैक्सिमम प्रॉफिट लाने के लिए आप मैक्सिमम यील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो सब किन फैक्टर्स पर डिटरमाइन करेगी, ये सारे आपके Lee Chatelier ने बताए थे. तो उसने ये सारी चीजें आपको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में दी थी, कंडीशन के फॉर्म में दी थी. उसके बाद हमने उन सबका लॉजिक जो है लॉ ऑफ मास एक्शन से खोजा कि आपका कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, आपका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, आपका प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम चेंज का क्या इफेक्ट होगा, इनर्ट गैस को एडिशन कराने पर क्या इफेक्ट होगा और कैटलिस्ट को ऐड करने पर क्या इफेक्ट होगा. तो Lee Chatelier इन सबको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में दिया था, आप इनको जो है लॉ ऑफ मास एक्शन से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं. तो इनके हम जो है डिस्कशन करेंगे कि आपका चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह फैक्टर्स का इन पर क्या इफेक्ट
पड़ता है और इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। सो अब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंसंट्रेशन नंबर टू टेम्परेचर नंबर थ्री चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम फोर्थ फोर्थ आपका एडिशन ऑफ इनर्ट। इन सारे जो फैक्टर्स हैं इन सबका इफेक्ट जो है हमारे को आज डिस्कस करना है। तो कंसंट्रेशन पर आपका रिएक्टेंट्स की भी हो सकती है प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है। तो जो आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है उसका क्या इफेक्ट होगा चेंज इन कंसंट्रेशन पर। आपका जो मान लीजिए ये रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो इस पर आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देते हैं केसी इज़ टू क्या हो जाता है आपका सी डी ओवर ए इंटू बी आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यदि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ये रेशियो होता है आपकी कंसंट्रेशंस की और हर एक की पावर्स लगा देते हैं जो भी इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। ये आपका मान लो ए है बी है सी है और डी है, तो ये सी डी और ए बी, ठीक है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ये आपका एक कांस्टेंट है फिक्स वैल्यू है। और क्यू आपका क्या कहलाता है रिएक्शन रेशियो और कंसंट्रेशन रेशियो और इसको हम एक और नाम भी देते हैं रिएक्शन कोशेंट और कंसंट्रेशन कोशेंट, ठीक है। ये सारे नाम भी हम इनको इसको दे देते हैं। ये क्यू जो है आपका रिएक्शन में किसी भी टाइम पर हो सकता है, ठीक है। क्यू आपकी एक वेरिएबल टर्म है केसी आपकी कांस्टेंट टर्म है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये भी आप इसी तरीके से हम डिनोट करते हैं C की पावर C, D की पावर D और A की पावर A और B की पावर B। और क्योंकि आपकी टेंडेंसी जो है हमेशा ही किस पर होती है K पर जाने, ठीक है। Q जो है आपका KC से ग्रेटर भी हो सकता है KC से लेसर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो जब भी आपका इक्विलिब्रियम के इक्वल है तो आपका ये क्या कहलाएगा इक्विलिब्रियम, यदि क्यू आपका केसी के इक्वल है। और यदि आपका जो है क्यू केसी से ग्रेटर है या लेसर है तो उन कंडीशंस में क्या होगा, ठीक है। मतलब ये कि भाई आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो आपका क्या होगा। तो उसके लिए हम इस रिएक्शन को फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एक को हटा देते हैं। तो आपका जो है रिएक्टेंट्स की मान लो आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो रिएक्टेंट्स की इंक्रीज करने पे क्या होगा क्यू इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, आपका क्यू डिक्रीज हो जाएगा यानी कि ये वाली कंडीशन आ जाएगी। और क्यू की हमेशा टेंडेंसी क्या होती है केसी पे पहुंचने की, तो क्यू जो है आपका केसी पे पहुंचने के लिए क्या करेगा सी और डी को बढ़ाएगा ई और बी को घटाएगा। तो इफ यू इंक्रीज द रिएक्टेंट rate of forward reaction increases, forward reaction का जो rate है वो increase करेगा। और यदि आप product की concentration तो यदि आप product की concentration को increase कर देते हैं तो आपकी C और D की value बढ़ जाती है, C और D की value बढ़ जाती है तो आप इस condition में आ जाते हैं कि Q आपका greater than KC हो जाता है।
तो उसके लिए आपका फिर क्या होगा, आपका Q इसी की वैल्यू पर पहुंचना चाहता है, तो इन दोनों की वैल्यू को कम करेगा और इनकी, इन दोनों वैल्यू कम करेगा और इनकी इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करने के लिए फिर आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी शिफ्ट कर देगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन तो मैक्सिमम रखेंगे और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम मिनिमम करते हैं। तो प्रोडक्ट्स जो भी आपके बनते हैं उनको हम टाइम टू टाइम रिमूव करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो आपका जो है मान लीजिए एक रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस आपने हीट दी या का सी, तो रिएक्शन आपके एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, तो ये रिएक्शन आपकी क्या है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट आपकी रिएक्शन की तरफ ऐड होती है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ठीक है, और एक्सोथर्मिक में आपका डेल्टा एच नेगेटिव, ठीक है, ये आपको साइंस कन्वेंशन पता ही होगी। तो आपका जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपका क्या चीज फेवर करेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा, ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एंडोथर्मिक में आपकी किस तरफ जाएगी, जब आपने हीट दी तो वो उस तरफ जाएगी जिस तरफ हीट कंज्यूम हो, तो हीट कंज्यूम आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके कंप्लीट हो रही है, तो ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन को यहां पर फेवर करेगी। यदि आप हाई टेम्परेचर रखेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और लो टेम्परेचर रखेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आपके लिए रिएक्शन फॉरवर्ड है तो दूसरी इसकी अपोजिट आपकी बैकवर्ड होगी, और जिन रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू जीरो है तो उनमें चेंज इन टेम्परेचर का नो इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका चेंज इन प्रेशर और फॉर्म। इन फैक्टर्स का भी डिपेंडेंस होगी किस रिएक्शन में होगा कि नहीं होगा। जैसे आपकी ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन पे पी और वी का इफेक्ट होगा चेंज का। लेकिन यदि आपकी ये रिएक्शन है, ये मान लिया हमने सभी गैसेस फेज में है, H2S प्लस Cl2 गैस चेंजेस टू एच, तो इस पर आपका नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम फैक्टर, चेंज इन टेम्परेचर वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपका ये हमारा किसी भी रिएक्शन का इस तरीके पर चलेगा, यदि उसमें डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है तो नो इफेक्ट, इस फैक्टर का आपका कोई इफेक्ट, और यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू आपकी क्या है पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन इफेक्ट विल ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑफ वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम, इसको हम मान लो कैसे समझेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप मान लो कि भाई जो है इनकी कंसंट्रेशन हमने 1 1 मान ले ली थी इक्विलिब्रियम पे, इसकी भी 1, तो इसके लिए फिर रिएक्शन के लिए केसी कितना आएगा आपका 1 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू आपका स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1। अब मान लीजिए आपने प्रेशर कितना कर दिया, डबल कर दिया, प्रेशर डबल करने पर क्या होगा इनकी कंसंट्रेशन का, वॉल्यूम ऑफ रह जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रह जाने पर क्या होगा इनकी कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, तो अब आपका क्यू कितना हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन इसकी 2 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 2 हो गई, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 की हो गई, यानी कि आपका क्या आ जाएगा क्यू 4 अपॉन जो है 16 यानी 1/4,
यानी Q जो है आपका less than KC हो गया, और Q जो है जब आपका less than KC हो जाता है तो Equilibrium किस तरह में direction में shift करता है, forward direction, ठीक है जी। तो यानी आपका Equilibrium forward direction हो जाएगा। इसी से हमने rule बनाया कि if we increase the pressure the equilibrium will shift in that direction where number of moles of gaseous products are less, ठीक है। तो डेल्टा एनजी इसमें आपका क्या है, सम ऑफ स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक। ये आपका जो है डेल्टा एनजी है। तो यदि आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहा है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है गैसीय प्रोडक्ट के, तो आपका प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो किस तरफ आएगा, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसका अपोजिट। और प्रेशर और वॉल्यूम जो है आपके एक दूसरे के इनवर्सली फैक्टर है, तो P इज इनवर्सली टू V, P और V जो है एक दूसरे के इनवर्सली फैक्टर है। तो जो आप इंक्रीज इन प्रेशर से कर रहे थे वही डिक्रीज इन वॉल्यूम से होगा। तो आप डिक्रीज इन वॉल्यूम करेंगे तो इक्विलिब्रियम आपका किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। यदि आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो इसी बेसिस पर आप चारों कंडीशन को बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट addition of inert gas at equilibrium। तो इसमें भी दो कंडीशन है कि एक हम क्या कर रहे हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जब भी क्वेश्चन आए आप ध्यान से देखिएगा, यदि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर लिखा है तो आप बंद कर दीजिएगा, नो इफेक्ट, ठीक है। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या हुआ ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे आए तो नो इफेक्ट, क्यों ये भी डिस्कस करते हैं। और इसमें एक कंडीशन और भी होनी चाहिए, इफ डेल्टा एनजी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन दिस कंडीशन विल एप्लीकेबल। ये इफेक्ट एप्लीकेबल आपका तभी होगा। तो डेल्टा एन जी आपका जीरो है तभी ये इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपका जब ये इफेक्ट आपको ये दोनों कंडीशन दिखाई दे रही है तभी आप सोचिएगा कि पहले तो डेल्टा एन जी जीरो होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, इनर्ट गैस कर रहा है तो सोचिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जैसे आपकी रिएक्शन है तो इसके लिए डेल्टा एन जी वैल्यू क्या होगी आपकी, प्रोडक्ट्स कितने हैं, ये सारे गैसियस हैं प्रोडक्ट्स आपके, तो 2 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब यदि आपकी रिएक्शन है मान लो H2 प्लस Cl2 चेंजेस टू ट्वाइस एच सी एल गैस, ठीक है, इस पर इस फैक्टर का नो इफेक्ट क्योंकि इसमें डेल्टा एनजी आपका जीरो। तो यहां पर जब आप सोच रहे हैं कि भाई इस पर क्या इफेक्ट होगा तो इस पर आप वो ही चीज बना लीजिए, K इज इक्वल टू NH3 स्क्वायर इनटू ओवर H2B होल क्यूब। अब जब आपने इसके बारे में सोचना शुरू करा है तो आपका आपने इनर्ट गैस ऐड कर दिया कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर,
ठीक है, फर्स्ट कंडीशन भी। तो जब आप कंटेनर में आप करा रहे हैं तो इनकी कंसेंट्रेशन तो नहीं बदलेंगे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, भले ठीक है पूरे मिक्सचर का प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन इनके पार्शियल प्रेशर सेम रहेंगे। जब पार्शियल प्रेशर सेम रहेंगे, कंसेंट्रेशन सेम रहेंगे, तो केसीकेपी चेंज नहीं होंगे, केसीकेपी चेंज नहीं होंगे तो इक्विलिब्रियम एज इट इज रहेगा। लेकिन यदि आप इन गैसेस को कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ऐड कराते हैं, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे आपने मान लो इनर गैस को ऐड करा रहे हो, तो वॉल्यूम आपको प्रेशर कॉन्स्टेंट रखने में क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। और वॉल्यूम को जब हम इंक्रीज करेंगे तो इनकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनर्ट गैस कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो मान लो आपका जो है स्टार्टिंग इनका 111 रखा हमने इजी, तो केसी आपका 1 हो गया, ठीक है। अब आपने इनर्ट गैस इतनी ऐड कराई कि हमारा जो है वॉल्यूम क्या हो गया, 2V हो गया, ठीक है। तो इनकी कंसेंट्रेशन कितनी जाएगी, 1/2, 1/2 और इसकी भी 1/2, ठीक है, करेक्ट। तो अब आपका क्यू क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 इनटू 1/2 भी होल क्यू, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 4। तो क्यू इज ग्रेटर देन केसी हो जाएगा, और जब क्यू जो है आपका केसी से ग्रेटर है तो आपको क्यू का तो टेंडेंसी क्या है, केसी पे पहुंचने की, तो इनकी वैल्यूज डिक्रीज करनी पड़ेगी, इनकी वैल्यूज इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आपका इफेक्ट क्या होगा कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर एंड डेल्टा एनजी इज नॉट इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर, नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके ज्यादा होंगे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में आपका शिफ्ट करेगा। तो इसी पर बेस आपके आईटी में बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, वन ऑप्शन के भी आते हैं, वन मोर देन वन ऑप्शंस के भी आते हैं, जिनको आप बड़े आराम से कर सकते हैं।